यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप करंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप फोर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको स्टार्टिंग करते हैं हम, जैसे 270 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है ये हमारी, जो 10 नंबर रॉड यूज करते हैं इस मशीन के ऊपर। 4 मीटर का होता है सर ये, 4 मीटर, 4 मीटर का होता है, 4 मीटर इससे आप वेल्डिंग कर सकते हैं 4 मीटर। नमस्कार सर, राम राम, कैसे हैं? राम राम, नमस्कार जी, घनश्याम जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका दिया वीडियो बनाने का। जी सर, एक वीडियो हमने आपकी पहले भी डाली थी जी। तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते सर, उस उनको सर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए जो वो भी आपको जान सके सर। जी बताइएगा सर। हमारी कंपनी वेल्डिंग मशीन बनाती है, हमारी कंपनी का नाम है पोसवाल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। हमारी कंपनी सभी तरह की वेल्डिंग मशीन बनाती है। ओके। हाँ, स्टार्टिंग मॉडल हमारा है 270 आर्क वाला, आर्क वेल्डिंग मशीन 270 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी जी। और लास्ट कितना रहता है सर? 630 एम्पियर तक जाता है। ये एम्पियर में बोलते हैं इसे? हाँ जी, एम्पियर में। बहुत बढ़िया। तो सर अपना क्या मैन्युफैक्चरिंग है या अपनी इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग है सर, अपना ही यूनिट है हमारा, यहीं पे ही हम यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये हमारा ऑफिस है, ये शोरूम बनाया हुआ है हमने। ओके। तो ये ब्रांड नेम अपने रजिस्टर करवा रखा है अपना? जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं सर का शोरूम है और यहाँ पे जो है काफी सारा जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सर कहाँ कहाँ तक सप्लाई रहती है अपनी सर? सर पैन इंडिया, पूरा ऑल इंडिया काम करते हैं, पूरा पैन इंडिया। हाँ जी। अगर सर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, कितने से स्टार्ट हो जाती है सबसे स्टार्टिंग वाली? सबसे छोटा मॉडल सर 8,000 रुपये से हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी में मशीनें हैं 5 कार्ड की। ओके सर, और ये जो मशीन आती है ये किस काम में आती है ये भी थोड़ा बता दीजिएगा? ये सब वेल्डिंग के काम आती है, जैसे फैब्रिकेशन हो गया, गेट गिल वाला काम हो गया। स्टार्टिंग मॉडल जो छोटा मॉडल है हमारा, वो गेट गिल के काम में यूज होता है ज्यादा। ओके। हाँ, बाकी बड़े मॉडल है वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ज्यादा। तो सर एक क्वेश्चन था हमारा। जी बताएं घनश्याम जी। जैसे हमने आपकी पहले वीडियो डाली थी तो उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या क्या फायदा हुआ सर आपको? घनश्याम जी, आपके जो चैनल के माध्यम से हमारे पास बहुत कॉल आई पूरे इंडिया से, जैसे मुंबई से आई हमारे पास, गंगानगर से आई हमारे पास, और हमारे राजस्थान में जोधपुर से आई, बहुत कॉलें हमारे पास आई, और जिनमें हमने बहुत मशीनें भी दी हैं उनको। जैसे हमने अभी कल ही डिलीवरी दी है 800 मॉडल की, जिससे कटिंग मशीन जो है प्लाज्मा कटिंग मशीन, उस मॉडल की हमने आपके चैनल के माध्यम से अभी मशीन बेची है, और हमने मुंबई भी मशीन भेजी आपके चैनल के माध्यम से, बहुत मशीनें बेची है आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार जो हमारे पास सामने जो मशीन रखी हुई है इसके बारे में सर स्टेप बाय स्टेप बताइए कि जो ऑडियंस है जिनको मशीन लेनी है वो समझ सके कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे इनका ये बेनिफिट उठा सकते हैं, और क्या क्या चीज इसमें आप देते हैं सर, और क्या इसमें क्या आप ऑफर में दे रहे हैं सर, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप आप बताइए सर। जी घनश्याम जी, जैसे ये मशीन है हमारी, सबसे स्टार्टिंग जो मॉडल है हमारा 270 एम्पीयर का है ये, ठीक है? ये वेल्डिंग मशीन, ये 10 नंबर रॉड चलाती है 3.15 की। ओके। और ये गेट गिल का जो लोग काम करते हैं ज्यादातर वो लोग खरीदते हैं इस मशीन को, ठीक है? और बहुत अच्छी मशीन है, बहुत बेहतरीन मशीन है, और सिंगल फेस ये चलती है, पावर प्लग इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पर आप अर्थिंग केबल यूज कर सकते हैं और यहाँ पर होल्डर केबल यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप करंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप फोर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको शो करेगा कितने एम्पियर पे आप चला रहे हैं। लेकिन घनश्याम जी, मुझे जो कॉल आई थी आपके चैनल के माध्यम से कि आपने छोटी मशीनों के बारे में ज़्यादा बताया है, हमें बड़ी मशीनों के बारे में नहीं बताया है, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है एक ACDC जो एल्युमिनियम वेल्डिंग के काम आती है मशीन, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आज। ओके सर जी। बाकी सर एक मशीन हमारे पास सामने भी रखी है, दोनों सेम है काम? हाँ, ये मशीन सेम नहीं है, ये टिग वेल्डिंग मशीन है, और इसको हम स्टील वगैरह वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। ओके। इसमें गैस यूज होती है, आर्गन गैस का सिलेंडर यूज करते हैं हम, और इसमें भी हाँ पावर प्लग लगा हुआ है, और हम इसे सिंगल फेस से यूज कर सकते हैं। इसमें गैस लगानी पड़ती है जब स्टील वेल्डिंग करना होता है, बाकी आप नॉर्मल अगर रॉड चला रहे हैं तो इसमें सीधा डायरेक्ट भी होल्डर लगा के आप चला सकते हैं इस मशीन को। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप कौन किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है हमारे पास यहाँ पे? घनश्याम जी, ये है हमारी जो है वेल्डिंग मशीन है ACDC 250 एम्पियर जो कि एल्युमिनियम वेल्डिंग के काम आती है ये वाली मशीन, हैवी के लिए, हैवी एल्युमिनियम, ये जैसे कि एल्युमिनियम का फर्नीचर वगैरह कुछ बनाना हो उस काम में यूज होती है ये वाली मशीन। जो सर बड़ी बड़ी शेड बनती है
उसके लिए आर्क वेल्डिंग यूज होती है, उसमें रॉड वगैरह यूज होती है, लेकिन इसमें जो है एल्युमिनियम वेल्डिंग होती है। ओके हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत कॉल आए थे कि एल्युमिनियम वेल्डिंग के बारे में आप हमें बताएं, तो मैं आज आपको एल्युमिनियम वेल्डिंग मशीन अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। जी सर, करिएगा सर। जी हाँ जी सर। जी ये देखिए, इसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट टॉर्च निकलेगी इसके अंदर। ये देखिए, ये टॉर्च है इसकी, टिक टॉर्च। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले हम मशीन को अनबॉक्स कर लेते हैं सर। तो ये सर आपने सेफ्टी के लिए दिया रहता है जी जी इतना, जी ये पैकिंग है, इस टाइप से आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारी एसीडीसी वेल्डिंग मशीन है जो कि तो दोस्तों इस टाइप से हमारे पास भी कोई कुछ सॉलिड पैकिंग होती है जिससे मशीन जो है आपकी सेफ रहे, सेफ रहे और जो है कोई भी खोंच वगैरह ना लगे। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन। और ये इस पे पन्नी भी सर दे रखी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पैकिंग के लिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपके सामने अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये देखिए, बहुत बढ़िया सर। ये एल्युमिनियम वेल्डिंग मशीन है सर। इसमें यहाँ पे हम टॉर्च लगा सकते हैं। ओके, अब मैं टॉर्च भी आपको खोल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अनबॉक्सिंग सर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको एक बार डिटेल में। इसकी टॉर्च भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल जैसे मशीनों में आती है बाजार के अंदर बिकती है उस तरह की टॉर्च नहीं है। ओके, ये टॉर्च बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बाजार के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह की टॉर्च नहीं आती है बाजार में। ये टॉर्च है हमारी टिक टॉर्च, इसे टिक टॉर्च बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे मशीन में। और इसको, ये 2 पिन की सॉकेट है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये हमारी टॉर्च कनेक्ट हो गई है, और इसमें आप अर्थिंग केबल भी आप लगा सकते हैं। इसमें होल्डर केबल भी साथ में है, आप इसमें रॉड भी चला सकते हैं, आर्क वेल्डिंग रॉड भी चला सकते हैं, होल्डर साथ में है इसके। ओके, और इसमें पाइप भी दिया गया है ये पीछे कनेक्ट करने के लिए, ये गैस के लिए है सर। ओके, हाँ, इसको पीछे कनेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये सिलेंडर में लग जाएगा। इसमें सिंगल फेस बिजली इस्तेमाल करनी है। बहुत बढ़िया सर, तो ये सेटअप रेडी है अपना सर। जी, इसमें ये लंबाई कितनी होगी सर इसकी जो है, इसकी इस वायर की? ये 4 मीटर का होता है सर, ये 4 मीटर, 4 मीटर का होता है, 4 मीटर इससे आप वेल्डिंग कर सकते हैं 4 मीटर की दूरी पर। ओके, इसको ये टॉर्च की एसेसरीज है, इसको आप इस तरह से फिट कर सकते हैं सर। ये कॉलेट बॉडी होती है, कॉलेट बॉडी को आगे लगाना होता है, और एक इसमें टंगस्टन रॉड लगती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसके अंदर टंगस्टन रॉड लगती है, ये हम आगे से इसको इसमें डाल सकते हैं। ये कॉलेट होती है, कॉलेट में पहले इसको लगाना है, फिर इसके अंदर लगाना है, और फिर इसकी कैप लगानी है ऊपर से, इसको लॉन्ग कैप बोलते हैं। और फिर इसमें सेरेमिक कैप लगानी है इस तरह से, और इसको हमने इतनी दूरी पर रखना है, लगभग 2 mm बाहर रखना है इसको। ओके, और फिर हम जब एल्युमिनियम वेल्डिंग करेंगे इससे, तो हम इसको बटन को दबाएंगे और वेल्डिंग हो जाएगी। कौन से बटन होगा? ये बटन हुआ है इसका। ओके, स्विच स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, तो सर बहुत अच्छा लगा, सारी जानकारी आपने दी। तो सर अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो
तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है अप्रोक्स हमारी ऑडियंस इसका के लिए? वैसे प्राइस घनश्याम जी 38,000 रुपये है, 38,000 प्लस GST, GST इसमें एक्स्ट्रा होता है। ओके अगर आपके चैनल के माध्यम से हमें कोई मशीन मांगता है ये वाली मशीन, तो हम उनके लिए एक खास ऑफर देंगे, खास डिस्काउंट देंगे आपके। तो दोस्तों ऑफर जो है यहाँ पे हिडन रखा गया है, ऑफर के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और सर को बताना पड़ेगा कि घनश्याम इंडियन मशीन से आए हैं, तो आपको जो है इसमें इस रेट पे कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल सर जी, जी बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा सारी जानकारी आपने दी चैनल के माध्यम से जी। तो सर अपने पास कितना स्टॉक होता होगा एक लंगसम? हमारे पास सर एनी टाइम हमारे पास 10,000 मशीन स्टॉक में होती है, 10 से 12,000 मशीन एनी टाइम रहती है, एनी टाइम होती है। तो सर सबको तो कवर नहीं कर सकते, एक एक करके हम रेट ले लेते हैं जिससे हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर हो जाए जी। एक बार स्टार्ट कीजिएगा सर ऊपर से। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम, जैसे 270 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन है ये हमारी, जो 10 नंबर रॉड यूज करते हैं इस मशीन के ऊपर। ये मशीन हमारी 8,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बाकी जब भी कोई भी ऑर्डर आपके चैनल के माध्यम से आएगा तो हम उनको बहुत भारी डिस्काउंट करेंगे इस पर। ये मशीन है 325 एम्पीयर की, जैसे इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 11,500 रुपये, 325 एम्पीयर की। सिंगल फेज टू फेज दोनों से चलेगी ये वाली मशीन, सिंगल फेज भी चलती है और डबल फेस भी चलती है, ये दोनों से चलती है। ये वाली मशीन हमारी 11,500 रुपये की है, लेकिन बहुत खास डिस्काउंट करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। ये मशीन है 200 TIG, ओके, मतलब 200 आर्गन वेल्डिंग मशीन, 200 एम्पीयर की। ये मशीन हमारी 15,000 रुपये की है और हम इसको बहुत ही अच्छी कीमत में आपके चैनल के माध्यम से देंगे। ये मशीन हमारी 325 एम्पीयर की है, जो हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आती है 350 एम्पीयर की आर्क वेल्डिंग मशीन, ओके, ये मशीन 15,500 रुपये की है। जरूर इस पे भी हम बहुत अच्छा ऑफर देंगे आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद 400 एम्पीयर की है, 400 एम्पीयर, लेकिन ये मशीन 3 फेज से चलती है, ओके। बाकी मशीन है सिंगल फेज से है, 400 एम्पीयर से नीचे जितनी भी मशीन है सब सिंगल फेज टू फेज होती है, और ये मशीन हमारी 400 एम्पीयर की है, ये 3 फेज से ही चलती है, ठीक है। इसके बाद हम 500 एम्पीयर के बारे में बताएंगे, तो 500 एम्पीयर भी 3 फेज होती है, लेकिन कंटिन्यू इसको 4 mm रॉड चलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। नीचे वाली सर, ये 630 एम्पीयर का है, 630 आर्क वेल्डिंग मशीन, ठीक है सर। इसको भी 4 mm 6 mm के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिग वेल्डिंग मशीन है, ओके, ये 0.8 वायर चलती है इसके ऊपर, इसको 250 एम्पीयर की मशीन है, ये 250 एम्पीयर की मशीन है मिग वेल्डिंग मशीन। इस पे आर्क वेल्डिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्क और मिग दोनों होता है इसके अंदर। बाकी मैं अगली वीडियो में आपके चैनल के माध्यम से एक मिग वेल्डिंग के बारे में प्रॉपर बताऊंगा, जो कि इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे हम अगली वीडियो में, ज़रूर बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर सारी जानकारी आपने हमारे चैनल के माध्यम से दी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए सर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं सर, दो शब्द सर। घनश्याम जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, मशीनें खरीदें हमसे, बहुत अच्छी मशीनें हैं। आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं हमसे या हमारे डीलर के थ्रू भी आप मशीनें खरीद सकते हैं। हमारे डीलर भी हर शहर के अंदर है और आप आ भी सकते हैं हमारे ऑफिस, विजिट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे मशीनें देख भी सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। Okay. अगर आप मंगाना चाहें तो मेरे नंबर पे आप कॉल करें, मेरा नंबर है 8595859425। आप मुझे कॉल करें, हम आपको मशीन आपके घर पर भिजवा देंगे, कोई भी चार्ज नहीं होगा उसका, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपके घर पर मशीन पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों सारी जानकारी हमने वीडियो में कवर कर ली है, सर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए जो है सर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ और कहना चाहते हैं या समाप्त करें वीडियो को? भाई जी धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।